चंदन तिलक मनोहर भाले भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में अलका शोभे कपोलन में हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि सिरे चूड़ा दर्शी बाले वन फूल माला हिया पर डोले पहिरन पीत पीतांबर शोभे दोनों चरणों में दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में बजा रहे आप राधा कृष्ण एक क्या कहा और क्या सुने आप राधा कृष्ण एक तनु है और वो तनु है गौरांगा राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे बंसी बजाए वृंदावन में निधुवन भी है निधुवन यहाँ कृष्ण कन्हैया लाल के क्या करते हैं बंसी बजाते हैं क्योंकि वेणु माधुरी का प्रदर्शन वहां होता है निधुवन माझे बंसी बजाए होते हैं विश्वरूप वे बलराम भी है कृष्ण बलराम ऐसे नित्यानंद है फुल फ्लेज बलराम और आंशिक रूप में बलराम बन जाते हैं विश्वरूप विश्वरूप की प्रभु जी सही विश्व आलो आओ त प्रकट ही नदिया में आओ त प्रकट ही नदिया में सुंदर लाला सजीव दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में
कोई गावत है राधा कृष्ण ना, कोई गावत है राधा कृष्ण ना, कोई गावत है हरि गुण गा, कोई गावत है हरि गुण गा, मंगल तान मृदंग रसाला, मंगल तान मृदंग रसाला, बाजत है कोई रंगण में, बाजत है कोई रंगन में, गो सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम ओ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे ओ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनीता श्री गौरनीता गौरनीता श्री गौरनीता प्रभु पद शील प्रभु पद ओ प्रभु पद शील प्रभु पद हरि बोल 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 विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय द्वारका धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय मायापुर धाम की जय गंगामय जमनमय की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय
गौनिता की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की जय, शिल्पोपाद की जय, निथाय गौर प्रेमानंदे ऑल गौर शुद्ध संबल डिफोड़ी समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। कहाँ पर बैठे हो? इफ देयर इज एनीबॉडी नॉट हियर डोंट कम हियर। हरे कृष्ण। सो डिवोटीज, वेल दिस presentation is in English. Hari 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 Hari. Sab sun rahe ho? Hare. Is it loud and clear? So yeah, as I said, I will be talking in Hindi. So those who need translation, anybody needing translation, I see a lot of Matajis here, but then I see some Russian faces also. Yeah, so from Prabhuji's side, anyone, two or many needing translation. So here is this Prabhu, Divyanam Prabhu, with the chadar. So you could go a little back, in the back, and those who need translation, please sit around him. And what about Mataji's? Yeah? Make sure you have a translator. Or you grab one. So everyone is taken care of? From Hindi into English and into Russian also. सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे स्वागत का स्वीकार कीजिए प्लीज। बच्चों का स्वागत नहीं है वैसे। नो नो, दिस गाइस आर प्लेइंग हियर। संभालिए थोड़ा। कौन यहाँ के व्यवस्थापक? आई थिंक आई शुड नॉट। हम कौन संभालता है यहाँ का सर? Okay, so May 1972,
अगर ये रोने वाला है तो आई थिंक आपको बाहर ले जाना होगा इस बालक को, और खेल भी नहीं सकता है। आई एम सॉरी। राइट, ये क्रीडांगन नहीं है, कथा आंगन है या कीर्तन आंगन, नॉट क्रीडांगन। या जो दैट्स ओके, इफ दे आर नॉट मेकिंग नॉइज दे आर वेलकम। सो फर्स्ट जैसे आप सभी इस वर्ष, संभावना है आप हर वर्ष आते होंगे, इस साल भी आए हो, किंतु हुआ पहली बार इस्कॉन का कार्तिक व्रत संपन्न हुआ था 1972 में। और उस समय श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को वृंदावन बुलाया था। उन बुलाए हुए शिष्यों में मैं भी एक भाग्यवान। तो जब हम पहुंचे तो श्रील प्रभुपाद से हम पूछ रहे थे कि अब कार्तिक व्रत के लिए आए तो है, तो ये कार्तिक व्रत कैसे मनाया जाता है, आप क्या चाहते हो? तो श्रील प्रभुपाद कहे, चैन हरे कृष्णा 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे क्या करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये जब बात हमने सुनी, कुछ भक्त बैठे थे, शिष्य बैठे थे, हम जड़ से हरे कृष्णा करना प्रारंभ तो कर दिए। और फिर आगे प्रभुपाद कहे, नो ईटिंग नो स्लीपिंग, कैन यू डू इट? तो फिर हम सोचने लगे, अरे अरे, तो ये मास है वैसे अहर्निश, या 24 hours a day, एवरी डे 24/7 ही नहीं, 24/30 days, नॉट 7 days। तो यथासंभव था कि हम भगवान का स्मरण करें, नित्य भगवान का स्मरण करने, ये भूमि भगवान के स्मरण के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन धाम की स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, यह का नियम है ये, स्मर्तव्य सततम विष्णु। विष्णु का आदि आदि विष्णु तो कृष्ण ही है, कृष्ण का सदैव स्मरण। और साथ ही साथ ये भी कहा है, विस्मर्तव्य न जातुचित, और भगवान का कभी भी विस्मरण न हो, भगवान का सदैव स्मरण हो। तो कृष्ण बलराम मंदिर के व्यवस्थापकों ने कुछ अलग अलग व्यवस्था करके रखी है इस कार्तिक मास में, ताकि हमें स्मरण हो जाए। स्मरण होता कैसे है? श्रवणम और कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये विधि है स्मरण की। तो ऐसी कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं हुई है, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था भी है। आई थिंक प्रतिदिन, या आई थिंक प्रतिदिन एक्सेप्ट यस्टरडे, शायद क्या कथा नहीं हुई,
कल नहीं हुई तो और आज भी हो रही है और होती रहेगी। आई थिंक एवरी डे आई थिंक सो। तो प्रातःकाल 11 से लेकर 1 बजे तक हम सभी आभारी हैं कृष्ण बलराम मंदिर के व्यवस्थापकों के जिन्होंने ऐसा आयोजन किया हुआ है और मैं भी उनका आभारी हूँ। मुझे भी आपकी सेवा करने का अवसर यहाँ प्राप्त हो रहा है। मैं भी सेवा करूँगा, वो सेवा का नाम होगा कीर्तन। कीर्तन मतलब केवल हरे कृष्ण नहीं, भगवान की कीर्ति का गान ही कीर्तन होता है। फिर हरे कृष्ण कह के कीर्तन करो, कीर्तन ये सदा हरि हो, वो भी कीर्तन ही है। या नित्यम भागवत सेवया है, वो भी कीर्तन ही है। तो मैं कीर्तन की सेवा करूंगा और आप कौन सी सेवा करोगे? स्मरण की सेवा का ना, पहले तो श्रवण की सेवा करोगे और फिर हम दोनों भी श्रवणकर्ता और कीर्तनकर्ता, कीर्तनकार, श्रोता और व्यक्ता, हम वक्ता, हम दोनों भी स्मरण करेंगे। तो यही प्रार्थना है भगवान हमें स्मृति पटल में प्रकाशित हो, प्रकट हो। स्मृति पटल नाम का एक पटल या पर्दा या स्क्रीन है, तो यह स्क्रीन है, एक अंदर ही बिल्ट इन स्क्रीन है, पर्दा है, इसको स्मृति पटल कहते हैं। तो वहाँ पर भगवान का स्मरण प्रकाशित हो। जय श्री कृष्ण बलराम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने व्रतविषये नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्र धरो न परः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते क्या वासुदेवाय जय वासुदेव सर्व वासुदेव सर्वमिति जो जानते हैं स महात्मा सुदुर्लभ श्री प्रभुपाद की ऐसे सुदुर्लभ प्रातः स्मरणीय सदैव स्मरणीय श्रील प्रभुपाद की तो एक तो स्वागत पढ़ ही रहे हो अब आपको कुछ पढ़ना और देखना भी होगा। आप सब देख सकते हो ये नहीं कि आप अंधे तो मेक श्योर आपके दृष्टि पथ में ये पर्दा है। अप्स टर्न ऑफ कहीं कहीं पर ये भी होगा गाजा वाजा भी होगा। तो आज और तीन दिन यह हम आपको अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे सुनाएंगे। तो आज का विषय है जैसे आपने अनाउंसमेंट में सुना होगा इसके साथ वृंदावन भी जोड़ा था हमने वृंदावन एंड द एक्सलेंस ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म। वृंदावन का भी एक्सलेंस और गौड़ीय वैष्णविज्म का भी एक्सलेंस। There's a translation somewhere happening. Okay. Hari Hari. Gaur Premanande. Take your seat, Prabhu. Vrindavan ki aur Gaudiya Vaishnavata ki utkrishtata. कुछ बातें होती निकृष्ट होती है तो उसके विपरीत निकृष्ट उत्कृष्ट वर्स्ट द बेस्ट ऐसा। तो वृंदावन धाम की और गौड़ीय वैष्णव परंपरा की दोनों का संबंध भी है। तो गौड़ीय वैष्णवता की उत्कृष्टता कहते कहते वैसे वृंदावन की उत्कृष्टता का भी उल्लेख होगा ही। संसार भर में कई लोग तो धार्मिक है ही नहीं। चाइना इज फुल ऑफ नास्तिक
नास्तिकों से भरा पड़ा है चाइना, चाइना नंबर वन, और भी और स्थानों पर भी मिलेंगे आपको नास्तिक नास्ति। हम तो यह वृंदावन और कृष्ण और गौड़ीय वैष्णव की उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं या भगवान की बात कर रहे हैं, तो कई लोग तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान है या नहीं है। उनकी यहाँ से शुरुआत हो जाएगा, डज गॉड एग्जिस्ट, तो हुआ मम माया धुरत्य या कहना होगा। भगवान की माया इतनी जबरदस्त, इतनी बलवान है, जीव को भुला देती है, भगवान को भुला देती है, और जीव ही जो भगवान का अंश है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ऐसे चर्चा हमारे देश में ये भी चल रही है, और सनातन धर्म को हम समाप्त करेंगे। आपने शायद सुना पढ़ा होगा ऐसी ऐसी बात है, विल वाइप आउट द सनातन धर्म, विल इरेडिकेट। अरे अरे तो हुआ, ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, तो वे निश्चित ही निकृष्ट हो गए, निकृष्ट हो गए, अधम हो गए, अधम हो गए। और फिर कुछ उत्तम या नरोत्तम, नरोत्तम दास ठाकुर के और फिर जो हाँ हाँ भगवान है, अस्ति 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 कौ अस्ति कौ न अस्ति कौ अस्ति कौ, मतलब कहने वाले हाँ हाँ भगवान है भगवान है भगवान है, उनको हम अस्तिक कहते हैं, अस्तिक कहते हैं। हाँ भगवान नहीं है भगवान नहीं है, उनको हम नास्तिक कहते हैं। तो जो अस्तिक है वे भी उनकी समझ भगवान की समझ कुछ अधूरी होती है, आंशिक होती है। और फिर भगवान को ये भी कहना पड़ता, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे धर्म को जिस धर्म को तुम अपनाए हो परित्यज्य, तो कोई से धर्म को अपनाए ही नहीं, धर्म के विधि विधानों को या उपासना को आराधना को, लेकिन जो अपनाए हुए हैं वे भी कुछ अधूरी या त्रुटिपूर्ण विधि को या भगवान की भगवत्ता को आंशिक रूप में ही जानते हैं। तो यह हम भगवान को, भगवान की भगवत्ता का पूर्ण विकास जिस भगवान में हुआ, जिस भगवान में हुआ है, दूसरे भगवान है, साई बाबा भगवान नहीं है वैसे, लेकिन अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम तो है, और वे सभी भगवान अनंत भगवान के रूप भी है। तो यह हम उस रूप की भी चर्चा करेंगे जो मत्तः परतरम न अन्यत, ऐसे कहने का जिनको अधिकार है और उन्होंने कहा ही है वे कृष्ण कन्हैया। तो इस प्रकार की उत्कृष्टता बताई देते हैं। तो ये अलग अलग थीम्स का हो या विषय का हो, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, और तत्व विचार
या फिर गौड़ीय वैष्णव का तत्व विचार, और वो तत्व विचार कैसे एक्सलेंट है या उत्कृष्ट है, फिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ही कैसे उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण महामंत्र के सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र, उत्कृष्ट मंत्र महामंत्र है। रागवनुगा साधना भक्ति, हम सब साधक हैं तो अलग अलग साधना को हमको अपनाते ही है, किंतु उन साधनाओं में रागानुग साधना कैसे उत्कृष्ट है, इस पर चर्चा होगी। और अलग अलग धाम भी है, जैसे स्वर्ग धाम नहीं है, न तो वह अमेरिका कोई धाम वगैरह है, लेकिन हम सुनते हैं कि कुछ भक्त तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोर यही अभिलाष अमेरिका देशे दिवो वास, ऐसा ही प्रार्थना करते हैं, तो शायद उनको लगता है कि अमेरिका इज सम अबोर्ड, दिव्य धाम, दिव्य नाम भी यहाँ बैठे हैं। हुआ तो न तो अमेरिका धाम है न तो देवी धाम धाम है, कहा तो है देवी धाम, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते ऐसे कई स्थान, न तो स्वर्ग हमारा लक्ष्य है, तौर और धाम है, एक ही ऊपर एक ही ऊपर एक ही ऊपर, फिर गोलोक नामनी, गोलोक नामक जो धाम है ये कैसा सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, इस पर चर्चा। रस विचार, कई सारे रस है, मैंगो जूस रस, फलों के रस भी भक्ति के जो रस है, द्वादश रस है, बारह रस है, फिर पांच प्रधान मुख्य रस है, उसमें भी कैसे और कौन सा सर्वोत्कृष्ट रस है, उस पर चर्चा होगी। और ग्रंथों में भी कुछ उत्कृष्ट ग्रंथ है, वैसे कुछ ग्रंथ तो है नहीं तो भी मान के बैठे हैं ये हमारा ग्रंथ है, और स्क्रिप्चर द बुक ऑफ रिलीजन, द बुक ऑफ रिलीजन ना, हमारा बाइबल है, हमारा कुरान है, तो किसी का ए बुक या दी बुक है, लेकिन हमारा क्या है, सनातन धर्मियों का, गौड़ीय वैष्णवों का लाइब्रेरी ऑफ रिलीजन, द बुक ऑफ रिलीजन वर्सेस द लाइब्रेरी ऑफ रिलीजन, कहा एक बुक और कहा अरा वांगमय, कहा सागर, और उसमें भी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की और भगवद गीता की और भागवतम की चैतन्य चरितामृत की, इसकी सर्वोत्कृष्टता पर चर्चा होगी। और फिर स्वयं भगवान, सर्वोपरि भगवान, तो कृष्ण कन्हैया लाल के ये कृष्ण, और साथ ही साथ कृष्ण ही बन जाते हैं, केवल कृष्ण ही नहीं राधा कृष्ण बन जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, तो ये कैसे कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है,
और फाइनली कैसे श्रील प्रभुपाद ये सारे जो उत्कृष्ट आइटम्स है, उत्कृष्ट एक्सलेंट, फिर तत्व विचार है, मंत्र है, साधना है, धाम है, रस है, ग्रंथ है, कैसे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ये सारा प्रस्तुत किए, इसका समावेश किए, या इस्कॉन एक पैकेज है, हाँ, सारे आइटम्स पैक करके श्रील प्रभुपाद इसकी डिलीवरी किए है संसार भर में। तो ये उत्कृष्टता आपको प्राप्त होगी, इसका अनुभव करोगे, आप अनुभव कर रहे हो ऐसी आशा भी है इस प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस्कॉन में, जो इस्कॉन में से प्रभुपाद द्वारा तो स्थापित है किंतु हुआ किंतु भी है। ये गौर निताय के, ये गौर निताय का ही आंदोलन है, संकीर्तनैक पितरो, ये संकीर्तन आंदोलन के पिता श्री फाउंडिंग फादर्स दो है, इसीलिए संकीर्तनैक पितरो कहा है। तो श्रील प्रभुपाद तो फाउंडर आचार्य हुए किंतु इसके फाउंडिंग फादर्स सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड स्वयं गौरांग और नित्यानंद कहो या कृष्ण बलराम कहो, जो गौर नित्यानंद प्रकट हुए उन्हीं का ये आंदोलन है। और इस आंदोलन, ये आंदोलन भी उत्कृष्ट है, क्योंकि ये सारा ये आंदोलन उत्कृष्टताओं से भरपूर, प्रचुर मात्रा में उत्कृष्टता ही उत्कृष्टता इस आंदोलन में आपको प्राप्त होगी। हरि बोल, व्हाट अबाउट जीव जागो, आई डोंट नो, ये कथा कुछ आप सुलाने के लिए नहीं है। डू समथिंग, आप यू पुट हेल्पिंग हैंड, थोड़ा नजर रखो आपके, लव दाय नेबर, आपके जो नेबर है प्रेम करो। उनका स्मरण दिलाओ। जगने का समय है। ओके, तो हुआ हम जो भी कहने वाले हैं उत्कृष्टता की बातें, ये इस मंत्र पर आधारित है जो आप यहाँ देख रहे हो। हम उसको कहेंगे भी, गाएंगे या कहेंगे, जो इस मंत्र के अंत में कहा ही है, चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। और इस मंत्र में जो लिखा है ये चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु का मत है। सो ओपिनियन ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब कुछ कहा, अपना मत व्यक्त किया, तो हम सबको यू शट अप, हमको मुख बंद करना चाहिए। या जैसे श्री प्रभुपाद कहा ही करते, लेट कृष्ण स्पीक, लेट कृष्ण स्पीक फॉर हिमसेल्फ, कृष्ण को बोलने दो, और तुम क्या करो, यू शट अप, तुम मुख बंद करो, भगवान को बोलने दो। तो यहाँ भगवान बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, तो जो बोले हैं उसको आप खोले, आँख खोलिए, हाँ, इतने जल्दी ध्यान अवस्था में प्रवेश नहीं करना। लक्ष्य है कि आप ध्यानस्थ हो, लेकिन अंत अंत में
या इस श्रवण के अंत में आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राधरो न परः। श्री चैतन्य मंजूषा नामक ग्रंथ में ये उद्धरण आता है, ये चैतन्य महाप्रभु का मत का उल्लेख हुआ है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, आप आराधना करना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? एनीवन इंटरेस्टेड? तो आराधना करो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे ब्रजेश तनय की आराधना करो, नंद नंदन की आराधना करो, और साथ ही साथ तद्धाम वृंदावनम, और वृंदावन भी आराधनीय है, आराध्य है, आराध्यो कहा ही है, तो भगवान आराध्य है, आराधना करने योग्य है, और साथ ही साथ उनका धाम वृंदावन धाम के वृंदावन धाम भी आराध्य है, आराधनीय है। वैसे हम हो सकता है आप तो कई भक्त यही रहते हो, कई बाहर से आए हैं, तो हम कृष्ण की आराधना और साथ ही साथ वृंदावन की आराधना भी करने हम आए हैं इस कार्तिक मास में। यहाँ का निवास, वृंदावन का निवास ही है कार्तिक मास का की आराधना या धाम की आराधना। हम आराधना करते हैं, वृंदावन धाम आते हैं, कैसे क्या करें आपको? अरे अरे रम्या काचिदुपासना व्रजवद वर्गेण, ओके आप आराधना तो करना चाहते हो, तो फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे कैसी आराधना करोगे? वैसी आराधना करो। कैसी? गोपियों ने राधा रानी के, गोपांगनाओं के, उन्होंने जैसे व्रज वधु वर्गेन, व्रज वधु वर्ग, उन्होंने जैसे आराधना की है वैसी आराधना करो। वो भी है वैसे ने शायद आगे बताएंगे। भगवान के मित्रों ने भी जैसे भगवान की आराधना की है वैसी आराधना करो। नंद बाबा यशोदा ने जैसे भगवान की वे आराधना की, उनकी जो पद्धति है, उनका जो भाव है, उस पद्धति से भगवान की आराधना करो। और फिर गोपियों ने जैसी आराधना की है वैसी तो करो ही करो। और यही रागानुग, अलग अलग राग या रस है उनका अनुग, फिर माधुर्य रस या राग का अनुराग या वात्सल्य रस का अनुराग और सख्य रस का अनुराग, ये रागानुगा। और फिर श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ग्रंथ रस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो, चैतन्य महाप्रभु का मत है। जैसे भागवतम ही का पिबत भागवतम, भागवत को क्या करो? पियो।
थोड़ा खाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, थोड़ा कष्ट करना पड़ता है खाना, लेकिन पीने के लिए आसान होता है, ज़्यादा परिश्रम भी नहीं, अनायास ही वैसे बिना प्रयास के वो प्रवेश कर देता है। रस अगर है तो पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत के रस को, कर्मकांड ज्ञानकांड इत्यादि जो ग्रंथ है इनसे भरपूर जो ग्रंथ है, शायद उनको हमको खाना पड़ेगा, खाना चबाना पड़ेगा, कष्ट है, कुछ कंकड़ पत्थर भी आप चबाओगे उस समय, किंतु ये भागवतम बस रस है, रसमालयम, और ये है भी प्रमाणम अमलम, अमल पुराण है, इसीलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि है, उत्कृष्ट है, और ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। और फाइनली यह छोटी सी लिस्ट है, प्रेम पुम अर्थो महान, प्रेम पुम अर्थ, सीधे बैठिए, सिट प्रॉपरली, योगी जैसे, भोगी जैसे नहीं, कैसे बैठोगे, योगी जैसे बैठोगे। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सिर स्ट्रेट, उस अवस्था में वैसे हम लोग थोड़े जागृत अवस्था है, फुली ओपन्ड अप, प्रेम उपमार्थो महान, पुम अर्थ मतलब ही पुरुषार्थ, पुम अर्थ ही पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस नाम से पुरुषार्थ प्रसिद्ध है। ये मेरे लिए होमवर्क, इज माई ड्यूटी टू आपको, जिस उद्देश्य आप आए हो सुनने के लिए आए ना, और बताए भी आपको आपकी सेवा कौन सी सेवा है, श्रवण भक्ति। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है ये निकृष्ट है, उसमें भी तरतम है, निकृष्ट बैड वर्स वर्स्ट इसे कहते हैं। और फिर प्रेम है, प्रेम पुमार्थो महान, ये सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्र आदरो न परः। तो सर्वप्रथम तत्व विचार का विचार करेंगे, विभिन्न दर्शनों का क्रमिक विकास, शून्यवाद से अचिंत्य भेदाभेद तत्व तक लंबा सफर है, 2000 वर्ष की अवधि के उपरांत वहाँ से वहाँ तक, शून्यवाद से भेदाभेद तत्व तक ये संसार पहुँच गया। अभी देखने की चीज़ भी है, तो इसलिए भी आप देख लेना, क्या केवल ऑडियो नहीं है, क्या है, वीडियो भी है, और देखने की चीज़ है ये, इसीलिए क्या करो, बार बार देखो, या चाहिए तो 1000 बार भी, बारंबार भी
देख सकते हो। डोंट निग्लेक्ट, डोंट इग्नोर दिस, अपराध होगा। मैंने बहुत कुछ आपको मैं कह रहा हूँ, आपको दुखी कर रहा हूँ, व्हाट टू डू। क्या हुआ, बुद्ध देव आए 2000 वर्ष पूर्व और उन्होंने प्रचार किया जिस वाद का, जिस तत्व का, उसका नाम है शून्यवाद। शून्यवाद जीवन का लक्ष्य क्या है? शून्य बनो, मतलब रहो ही नहीं। आप हो, आपका अस्तित्व है, इसीलिए आप दुखी हो। आप दुख से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? रहो ही नहीं। वॉइड, वॉइडिज्म, शून्य बनो, नहीं बनो। अब हो से क्या हो? तो दुखी हो इसीलिए दुखी हो। कोई दुखी होना चाहता है? नहीं, तो फिर हो जाओ, शून्य हो जाओ। ऐसा प्रचार संक्षिप्त में या सार रूप में ऐसा ही है। आप तो शून्यवाद का प्रचार किए बुद्ध देव। तदुपरांत आ गए शंकराचार्य, आ गए कुछ 1100 वर्ष पूर्व की बात है। मायावादम असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव कल्पितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा। ये शिव जी ही कहे, पार्वती को कह रहे हैं, उनके स्वयं के प्राकट्य के पहले ये संवाद हो रहा था। वहाँ पर शिव जी कहे, मैं प्रकट होने वाला हूँ कालड़ी में, केरल में कालड़ी है, या तो नाम नहीं लिया, वहाँ प्रकट होने वाला हूँ कलयुग में, ब्राह्मण रूपी ना ब्राह्मण बनूँगा। तो ब्राह्मण तो पठन पाठन करते हैं, प्रचार करते हैं, पढ़ाते हैं, तो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाऊँगा मैं? मायावादम, मायावाद पढ़ाऊँगा। ये मायावाद कैसा होगा? मायावादम असत शास्त्रम। ये मायावाद का शास्त्र कैसा होगा? असत शास्त्रम। स्वयं महादेव शंकराचार्य बनने के पहले ही बता रहे हैं, मैं मायावाद का प्रचार करने वाला हूँ और ये मायावाद है असत शास्त्रम। असत, सत नहीं, असत शास्त्रम। प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं। बुद्ध देव तो शून्य शून्य कह के आगे बढ़े, मैं शून्य नहीं कहूँगा, मैं एक कहूँगा, एक कहूँगा। तो ये छिपाया हुआ बौद्ध मत ही होगा थोड़ा सा। प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, लगभग, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं बात करूँगा। मयैव कल्पिता देव, ओके। तो शंकराचार्य प्रकट हुए, उन्होंने तो बुद्ध देव क्या कहे थे? दिखाइए क्या कहे थे आपके पास, ऐसा दिखाइए, इसके कारण भी आप, क्योंकि आपके प्रचार करना है ना, तो प्रचार के लिए इस ऑडियो विजुअल बॉडी लैंग्वेज वगैरह के उपयोग करना पड़ता है। तो शंकराचार्य क्या कहे? वन, शून्य नहीं, वन। हमको क्या बनना है? एक बनना है।
भगवान के साथ एक होना है। ये भगवान ये हम ऐसा नहीं है, हम ही भगवान, अहम ब्रह्म अस्मि इत्यादि। अद्वैत अ मतलब नहीं और द्वैत मतलब द्वैत, दो नहीं एक। तो कुछ तो सत्य कहा लेकिन अधूरा सत्य रहा ये। वो हम अगर हम शून्य नहीं बनना है, हमको एक बनना है, तो उसमें सुधार किए चार संप्रदाय के आचार्यों ने। शून्यवाद के बाद कौन सा वाद आ गया? अद्वैतवाद। और ये चार संप्रदाय के आचार्य किसका प्रचार करेंगे? द्वैतवाद। द्वैत, द्वैत मतलब क्या? क्या ध्वनित होता है? दो। दो कौन? एक जीवात्मा और दूसरे परमात्मा या भगवान, दोनों भी है। और सदा के लिए दो, दो अब भी है और सदा के लिए दो रहेंगे, एक कभी नहीं हो सकते। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत क्या सनातन। हमको समझना चाहिए भगवान ने क्या कहा गीता में। ये जीव जो भगवान का अंश है, जीव जो भगवान का अंश है, हम सदा के लिए अंश रहेंगे। सनातन का अर्थ यही है। अब भी हम भगवान के अंश है, भगवान से अलग है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है और ऐसे ही रहेंगे। तो ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये प्रामाणिक संप्रदाय। भगवान ने इन संप्रदायों की व्यवस्था की है और उन चारों संप्रदायों में महान आचार्य मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य प्रकट हुए हैं और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत, वैसे सभी द्वैत सिद्धांत ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा 19-20 का फर्क कहो, लेकिन बेसिकली ये द्वैतवाद का ही प्रचार किए। उनके नाम द्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, शुद्धाद्वैत सिद्धांत और द्वैताद्वैत सिद्धांत। तो ये वैष्णव आचार्य और चार वैष्णव संप्रदाय, उन्होंने क्या प्रचार किया? टू, नॉट जीरो, नॉट वन, हाउ मैनी? टू। लेकिन हम भी है और भगवान भी है, दो दो। स्पेशली हम जब ब्रह्मा ना मध्वाचार्य की तस्वीर आपने कभी देखी है? मध्वाचार्य की का चित्र, फोटोग्राफ या पेंटिंग, कई बार वो पेंटिंग में क्या होता है, वो वी फॉर विक्ट्री भी कहो, वी फॉर, क्योंकि उन्होंने मायावाद या अद्वैतवाद को परास्त किया, ऐसे भी दर्शा रहे हैं। और साथ ही साथ जीवात्मा और परमात्मा भगवान। लेकिन ये द्वैत, द्वैत का जो प्रचार कर रहे थे, द्वैतवाद का, तो जीवात्मा और भगवान को थोड़ा दूर दूर, ए ना ना, तो हट, तुम अलग हो, थोड़ा उनमें दूरी की जा रही थी, को थोड़ा दूर हटाया बिठाया जा रहा था। जो सही नहीं था तो फिर आगे हरी हरी गौरंगा। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, गौड़ीय वैष्णविज्म के, तो फाइनली तो द्वैतवाद भी ठीक है किंतु उसमें थोड़ा सा और सुधार कहो किया है गौड़ीय वैष्णव
वेदांत आचार्य भी कहते हैं, गोविंद भाष्य जो लिखे बलदेव विद्याभूषण की, जो एक समय वृंदावन में रहते थे, यहाँ से जयपुर गए और उन्होंने गोविंद देव वृंदावन के गोविंद देव, रूप गोस्वामी के गोविंद देव, नहीं वैसे कहा ओ तुम टीका लिखने चाहते हो वेदांत सूत्र पर, पेन एंड पेपर ले लो। हाँ ले लिया। और फिर भगवान डिक्टेशन दे रहे थे, समझते हो, जैसे बॉस सेक्रेटरी को कुछ डिक्टेशन देता है, या वहाँ पर भी श्रील व्यास देव डिक्टेशन दे रहे थे। और लिख कौन रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, तो बलदेव विद्याभूषण लिख रहे थे और गोविंद ने कहा लिखो लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो जो भाष्य बना उसका नाम ही रखे गोविंद भाष्य। ये मेरा भाष्य नहीं है, किसका भाष्य है, भगवान गोविंद देव का ये भाष्य है। और उस भाष्य का नाम हुआ, दूसरे नाम थे द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत इत्यादि इत्यादि नाम थे। अब इस वेदांत के भाष्य का नाम रखा गया अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अचिंत्य भेदाभेद। वैसे 5% भी प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, सो इस गति से हम आगे बढ़ेंगे तो 4 दिन यही कथा यही चर्चा हो करनी। और ये रही क्या हुआ, भेदा भेद, भगवान सुनो, भगवान और भक्त या भगवान या परमात्मा और आत्मा में भेद है और क्या भेद नहीं है। वैसे उनका घनिष्ठ संबंध भी है, दूर क्यों कर रहे हो, ए हटो तुम अलग हो, और आचार्य थोड़ा ए हटो। वैसे उनको करना पड़ा था क्योंकि मायावादियों ने अद्वैतवादियों ने इतना एक ही कर दिया था, तो नहीं नहीं एक नहीं है दो है, कहने के लिए दो है द्वैत द्वैत इतना जोर दिया, देना पड़ा उनको, द्वैत है दो है दो है, तो दो है कहते कहते करते करते थोड़े थोड़ा दूर रख दिया जीवात्मा को। तो बलदेव विद्याभूषण गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य ने जीव को नहीं नहीं ये भगवान का ही तो है, या भगवान जैसा भी है, भेद है भेद नहीं है, तो अचिंत्य भेदा भेद ये जो तत्व है, युगपत एक और पृथक, ऐसा शास्त्र की भाषा में इसको कहा है। इसकी स्थापना हुई तो बुद्ध देव से शुरुआत हुई और बीच में कई सारे हुए प्रचारक, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो मान लो या समझ लो कि चैतन्य महाप्रभु की रचना से योजना से ही ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व की सिद्धांत की स्थापना हुई है, जो सिद्धांत उत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है, एक्सलेंट। ओके आई हैड टू मूव फास्टर। गौड़ीय संप्रदाय, कई सारे संप्रदाय है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते विफला मता, कई सारे संप्रदाय है भी नहीं तो ये प्रचार करते ही है, दे डोंट बिलोंग टू एनी संप्रदाय, किसी संप्रदाय से उठपटांग खूब बातें होती रहती है, प्रचार होता रहता है। और फिर कुछ प्रचार, व्हाट टू डू, आई हैव टू, तो कुछ
संप्रदाय के अंतर्गत तो चार संप्रदाय भी प्रचार करते ही हैं। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वैसे और एक संप्रदाय की स्थापना वे करते हैं, वो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो सर्वोपरि है, उत्कृष्ट है। ये चारों संप्रदाय के आचार्य जिनका चित्र आपने देखा, उनके नाम आपने पढ़े और सुने भी, ये सारे आचार्य जब जब वे थे इस धरातल पर, वे सभी के सभी मायापुर धाम के मायापुर धाम गए हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला तो नहीं हो रही थी, तो भी उन सभी को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया है। और जब निम्बार्क आचार्य को दर्शन दिए, उनके साथ संवाद हो रहा था, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये चार संप्रदाय जो है, इन संप्रदायों के जो दो विशेष गुण है, मैं मेरे संप्रदाय में उसका समावेश करने वाला हूँ। या तो आप देख रहे हो वैसे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को परिक्रमा में ले जा रहे हैं, नवदीप मंडल परिक्रमा के। तो ये रहे चार, श्री संप्रदाय से अनन्य भक्ति और भक्तजन सेवा को स्वीकार किए, रुद्र संप्रदाय से तदीय सर्वस्व भाव, तदीय एक तो मदीय होता है, एक तदीय होता है, तदीय आप ही सब कुछ हो सर्वस्व। और फिर हम न्योछावर भी करेंगे सर्वस्व आपके चरणों में, ये भाव रुद्र संप्रदाय का। और राग मार्ग भी इसी संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु ने अपनाया, अपने संप्रदाय में इसको लिया। मध्वचार मध्व संप्रदाय से केवल अद्वैत निरसन, जो मध्वाचार्य मायावाद का जो खंडन मुंडन किए कहो, वो बात बहुत पसंद आई चैतन्य महाप्रभु को। हाँ, मेरे संप्रदाय में ऐसे विचार चाहिए, ये मायावाद का खंडन करने वाले विचार। इसीलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये भी कहना प्रारंभ किया, मायावाद भाष्य सुने ले, मायावाद भाष्य सुने ले, क्या पहले सर्वनाश आपको पता नहीं है? पता होता तो आप कहते, लेकिन कह नहीं रहे हो। तब तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को पसंद आई और फिर वे भी कहने लगे, मायावाद भाष्य सुन ले होइल सर्वनाश, मायावाद भाष्य। और साथ ही साथ मध्वाचार्य संप्रदाय से ही नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन, उड़पी के कृष्ण क्या मध्वाचार्य ने भगवान की आराधना जिस पद्धति से, जिन भावों से वे करते थे, वही पद्धति को, भावों को अपने संप्रदाय में अपनाया। और कुमार संप्रदाय से एकांत राधिकाश्रय और गोपी भाव को भी अपनाए। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णवता का तो अपनापन तो था ही, अपने वैशिष्ट्य तो थे ही, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने और चारों संप्रदायों के जो दो दो वैशिष्ट्य है, उसको भी अपने संप्रदाय में मिलाया, समावेश किया। हरी हरी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा जो गौड़ीय मठ स्थापित है मायापुर में, आप गए होंगे, तो परिक्रमा मार्ग पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसे चारों संप्रदाय के आचार्यों की मूर्तियों की भी स्थापना किए हैं। ओके, हरे कृष्ण महामंत्र के।
से भी सर्वोत्कृष्ट है। इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा कहे नारद जी को ये महामंत्र, इति षोडशकम् नाम्नाम्, ये 16 नाम वाला, इस हरे कृष्ण महामंत्र में कितने नाम है? 16 नाम, और अक्षर कितने हैं? कठिन है क्या, कैलकुलेटर चाहिए? 32। तो ये जो मंत्र है कलि कल्मष नाशनम, और ब्रह्मा कहे ना न अतः परतरः उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते, मैं सभी वेदों का ज्ञाता हूँ। तेने ब्रह्मरुदाय आदि कवये, मैं ही तो प्रथम व्यक्ति रहा जिसको भगवान ने सारे वेदों का निचोड़ सार भागवत के रूप में सुनाया। तो मैं कह सकता हूँ कि शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और कहीं पर भी दूसरा कोई उपाय नहीं है जैसा ये उपाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दिस इज द बेस्ट, स्ट्रांग रिकमेंडेशन चैतन्य महाप्रभु का रहा ना, वेल ब्रह्मा का रहा, फिर उसी को चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य भागवत में कहे तपन मिश्र, तपन मिश्र जी से कहे, ऐ श्लोक नाम बलि लय महामंत्र सोलह मतलब 16, सोलह नाम 32 अक्षर यही तंत्र महामंत्र तंत्र। तो ये मंत्र कैसा है? महामंत्र है। ये मंत्र कैसा है? कैसा है? महामंत्र, महा मंत्री तो कई होते हैं, फिर कौन होते हैं? महामंत्री होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं, या मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये महामंत्र कैसा है? मुख्यमंत्री है, प्रधान महान मंत्री महामंत्र है। हरे कृष्णौ द्वि आवृत्तौ, इसी का समझाया है। हरे कृष्ण कितने बार आता है? द्वि, दो बार हरे कृष्ण कहो, फिर कृष्ण भी दो बार कहो, तादृश तथा हरे, वे हरे भी दो बार कहो। हरे कृष्ण को कितने बार कहो? हरे कृष्ण, फिर कृष्ण को कितने बार कहो? दो बार कहो, कृष्ण कृष्ण। हरे को कितने बार कहो? हरे हरे, दो बार। और वैसे भी आगे कहा है, हरे राम तथा तादृक हरे पुनः, मतलब हरे राम भी दो बार, राम राम दो बार, राम राम दो बार, और हरे दो बार। इस प्रकार ये महामंत्र बनता है। सनत कुमार संहिता में इसका उल्लेख हुआ है, और ग्रंथराज श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये सारे वेदों का जो निचोड़ है, सार है, ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ऐसे कहा है, सारे वेदों का निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलितम फलम पका हुआ फल है, इज अ राइप फ्रूट। अरी अरी, तो भागवतम जो पका हुआ रसमालयम, सारे रस का खान है, कहो रसमय है ये भागवतम। इसी भागवतम के अंत में, भागवतम का अंतिम श्लोक आराम से कह सकते 18,000
18,000वां श्लोक आपके समक्ष है। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 कैंटो 13 चैप्टर 23 वर्स, ये अंतिम श्लोक है जिसमें हरि नाम का महिमा, उसमें भी नाम संकीर्तन का महिमा का गान हुआ है। ये नाम संकीर्तन हरे कृष्ण ही है। ओके, समय नहीं है तो हुआ। और फिर यहाँ से भी चैतन्य चरितामृत शुरू होगा। दिस लीडिंग इन टू चैतन्य चरितामृत, वहाँ तो हरि नाम ही हरि नाम है, चैतन्य चरितामृत है, हरिनामामृत है। तो हुआ नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र की। ओके, तो सतयुग में भगवान की आराधना कैसे होती थी? ध्यान करते थे बद्रिकाश्रम में इत्यादि, नर नारायण ऋषि ने भी किया। त्रेतायुग आया, त्रेतायाम क्या यजदो मखई यज्ञ होते थे, स्वाहा स्वाहा द्वापारे परिचर्यायाम आराधना होती थी। कलौ तत् हरि कीर्तना हरिभाव गौर हरिभाव, ये सब आप ही हो, आपकी लीला है। कलौ तत् हरि कीर्तना, इट्स नॉट मूविंग। हरी हरी। वैसे होना तो चाहिए इस कलयुग में नाम संकीर्तन, लेकिन कुछ लोग तो लगता है कि अभी तक सतयुग में ही बैठे हैं, अटके हैं, ध्यान कर रहे हैं। कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं जो त्रेता युग में करना होता है, उनको पता भी नहीं शायद कि कौन सा युग है, त्रेता युग है। यज्ञ चल रहे हैं तो आराधना क्या कर रहे हैं, लेकिन ये समय है हरेर नाम एव केवलम, केवलम हरेर नाम एव, केवल केवल ही नहीं कहा, हरेर नाम एव, नाम ही केवल, मतलब दो बार हुआ केवलम, नाम ही केवल, ओनली 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 केवल। लेकिन हम हरि नाम करते हैं तो इसी के साथ क्या होता है, सतयुग का ध्यान भी हो जाता है, मंत्र मेडिटेशन कहते हैं हम लोग आपको, अलग से मेडिटेशन नहीं, मंत्र मेडिटेशन। और त्रेता युग का यज्ञ भी होता है। ये कैसा है, ये संकीर्तन क्या है, यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यज्ञानाम जप यज्ञोसी, कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहे ये जप यज्ञ कह क्या है, कौन मैं हूँ। तो संकीर्तन करने से हम लोग यज्ञ भी करते हैं, और संकीर्तन करने से द्वापर युग की आराधना भी करते हैं। यजंती ही सुमेधसः, हम जब हरे कृष्ण का जप या कीर्तन करते हैं तो ये हम आराधना करते हैं। केवल आरती उतारना ही आराधना नहीं है, ये हरे कृष्ण कीर्तन करते समय लोग आराधना या अर्चना करते हैं। सो दिस इज ऑल इन वन, थ्री इन वन या फोर इन वन हुआ। इसलिए हरेर नामैव केवलम, आप समझ रहे हो, श्री कृष्ण चैतन्य महा। तो कुछ लोग कहा जाते हैं यान्ति देवान या व्रता देवान, तो देवता के पुजारी, ये भी बात है। वैसे जब मंत्र की बात होती है तो मंत्र सुनो थोड़ा, हाँ थोड़ा लिख भी सकते हो आप, फिर ऑफकोर्स आप जग जाओगे। इज इट
टिप, आप सोना नहीं चाहते तो लिखो, ऐसे बैठे रहोगे तो फिर नींद आएगी। कुछ इफ यू हैव सम होमवर्क समथिंग टू डू, फिर आप जगते रहोगे। लिखना भी तो सुनोगे तो ही लिख सकते हो ना, फिर सुनना भी होगा, फिर उसके लिए जगना होगा, फिर लिखना होगा। हरी हरी, क्या हुआ? Saying something. Okay, let's आगे बढ़ते। क्या ओके? तो हर मंत्र का, मंत्र के देवता होते हैं। मंत्र के कौन होते हैं? क्या होते हैं? मंत्र के देवता होते हैं। और उस मंत्र के जप या कीर्तन से कहो, वो देवता प्रसन्न होते हैं। इसी को कहा जाता है मंत्र सिद्धि। आपने शब्द सुना है मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि। तो मंत्र के जप से सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब आपके मंत्र देवता का दर्शन, साक्षात्कार भी हुआ। तो हरे कृष्ण महामंत्र के देवता, अन्य मंत्रों के अलग अलग देवता, हर मंत्र के देवता है। हरे कृष्ण महामंत्र के देवता, मंत्र देवता कौन है? राधा कृष्ण। और फिर वो व्यक्ति, वो साधक मंत्र सिद्धि को प्राप्त करता है और फिर अंततो गत्वा त्यक्त्वा देहम हो जाता है, उसका शरीर को त्यागता है। तो वही पहुंचता है जहाँ उस मंत्र के देवता सदैव निवास करते हैं। इसीलिए कहा है देवान देव यजो यान्ति, जो देवता के पुजारी, उनके मंत्र भी है, उच्चारण भी हुआ, उनको प्रसन्न भी किया, फिर आप जाओगे, वो व्यक्ति जाएंगे जो देवता के पुजारी है, देव लोग जाएंगे। और कौन कहा जाएगा, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का पुजारी सीधे कहाँ जाएगा? वृंदावन धाम के या गोलोक धाम के? हरी हरी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सारे तो यहाँ से पृथ्वी से सीधे डायरेक्ट फ्लाइट कहाँ जाएगी? गोलोक, नो स्टॉप ओवर। रास्ते में कहीं रुकने का नाम नहीं लेंगे, बाय, ये आ गया, वो आ गया, रास्ते में स्वर्ग आ गया, महेश धाम आ गया और हरिधाम आ गए, साकेत अयोध्या भी आ गई, जय श्री राम कहते हुए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में फिर द्वारका भी आने वाली है, मथुरा भी आएगी। तो ये हरे कृष्ण भक्त कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा। रागानुग साधना भक्ति, इसमें दैवी वैधी साधना, रागानुग साधना, ऐसे दो प्रकार है। तो वह चैतन्य महाप्रभु को जब प्रकट होना था कि नहीं? हाँ, मैं कह रहा हूँ इसीलिए भी आपका हो गया। हो चुके हैं। तो हुआ तो प्रकट होने के पहले अपने धाम में, वहाँ पर भी कृष्ण ही थे। तो वे सोच रहे थे कि अब मैं जो प्रकट होने वाला हूँ, मुझे भी प्रकट होना है, तो मेरा क्या उद्देश्य होगा? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। चैतन्य चरितामृत में ये विचार, भगवान के विचार लिखे हैं, उसी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो भगवान ने सोचा कि दो कार्य करूंगा मैं, एक तो प्रेम रस का आस्वादन करूंगा, प्रेम रस का आस्वादन करूंगा, मतलब ही कहो कृष्ण का ही आस्वादन करूंगा, कृष्ण का ही आस्वादन करूंगा, कृष्ण नाम का है या कृष्ण प्रसाद का है या कृष्ण लीला का आस्वादन करूंगा, मतलब ही क्या है, ये सब कृष्ण के ही क्या है, स्वरूप है जिसका मैं आस्वादन करूंगा। और साथ ही साथ राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारान, इसका प्रचार करूंगा मैं, या दूसरे शब्दों में इसका आचरण करूंगा, आचार और फिर प्रचार, आचार आचरण होगा, आचरण होगा, आचरण होगा, उसी प्रकार के फिर मेरे विचार बन जाएंगे और फिर सही उच्चार के साथ फिर मैं प्रचार करूंगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वैसा आदेश भी दिया, जा रहे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञा है गुरु भैया। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो पुराणे या आदि पुरुष है, शिक्षार्थम सिखाने के लिए, शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः, क्या सिखाने के लिए, अपनी निज भक्ति वैराग्य विद्या ये सब सिखाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संसार के समक्ष अपना उदाहरण रखा हुआ है, अपने उदाहरण से जग अपनी आचरी जगत सिखा। और ये टॉपिक तो और ये भी भगवान का विचार था, अपने धाम में विचार कर रहे हैं, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। भैया ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होना चाहते थे, ऐसे वैकुंठ में होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धाम है वैकुंठ, वृंदावन धाम है माधुर्य धाम, और मायापुर है औदार्य धाम, ऐसे नाम भी याद रखो आप लोग। वैकुंठ कैसा है, ऐश्वर्य धाम, वृंदावन माधुर्य धाम, और मायापुर औदार्य धाम, औदार्य उदार बन के माधुर्य का प्रचार प्रसार, माधुर्य का स्वादन और प्रचार प्रसार जो चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो वह तो ऐश्वर्य से या ऐश्वर्य ज्ञान से जीव को जो ऐश्वर्य भगवान महान है भगवान महान है भगवान महान है ये बातें सुन सुन कर वैसे जीव का जो भगवान से प्रेम है वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, उसको उसका उसका दमन होता है, इट गेट्स सबड्यूड अंग्रेजी में कहते हैं शिथिल, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, वो मैं नहीं चाहता, वो मैं नहीं चाहता, मेरे प्रेम को मैं दबाना छिपाना नहीं चाहता हूँ कि भगवान महान है। मैं क्या चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु जब वे कृष्ण ही अभी तक गोलोक में, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। यदि कोई जीव भक्त सोचे भगवान कैसे हैं, ये तो मेरा पुत्र है, इज माय सन, फिर भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान,
कोई कहे कि ये मेरा पुत्र है, इधर लोग जाते हैं। प्रभुपाद हमें एक समय कह रहे थे, हमें कहीं प्रचार के लिए भेज रहे थे, तो प्रभुपाद हमको संबोधित कर रहे थे ओके कि कुछ धर्मों में या ईसाई धर्म में, ईसाई जाते हैं हे भगवान आप महान हो, आप पालक हो, आप यू आर मेंटेनर, तो फिर क्या ओ गॉड गिव अस योर डेली ब्रेड, हमें ब्रेड खिलाओ, ब्रेड दे दो, ब्रेड दे दो, ब्रेड दे दो ना, कोई रोजी रोटी हो जाए, मिल जाए रोजी और रोटी का, कोई रोजगार मिल जाए, फिर रोटी मिल जाए। फिर प्रभुपाद कह रहे थे लेकिन हम या हमारे धर्म में तो वह भक्त भगवान को रोटी खिलाते हैं, या ब्रेड खिलाते हैं, या फिर ब्रेड दिया तो ना 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 मोही माखन अभावई, माखन दे दो ना, मैया मोरी माखन अभावई, मेवा पकवान कहती तू मोही रुचि नहीं आवई, माखन भावई, मुझे तो माखन खिलाया करो ना। तो यह भगवान प्रार्थना कर रहे मैया से, भक्त से, मुझे दे दो ना माखन खिलाओ ना। सी द डिफरेंस। और कभी कभी कन्हैया खेल ही रहे हैं तो स्टॉप, नंद महाराज सब तैयार बैठे हैं भोजन के लिए, आओ भोजन करो। तो भक्त बन जाते हैं पालक, भगवान के पालक बन जाते, पालक जानते हैं, पालक पालक जो पालन करते हैं, आप सब माता पिता पालक हो बच्चों के, तो भगवान के पालक बन जाते हैं तो भगवान का बहुत अच्छा लग। कोई कहता भगवान मेरे सखा है, तुम कौन बड़ा लोग, तुम ही अमी सम, मित्र कहते हैं तुम कौन बड़े घर के, हम तुम एक साथ में है, एक जैसे है, ऐसा धमकी भी देते हैं, बीच में जा रहा खेल पूरा नहीं हुआ, ऐसे जाकर तो पुनः खेलने खेलोगे नहीं हमारे साथ, डराते हैं भगवान को, डराते हैं। और भगवान डरते भी है जब दामोदर मास के या उस दिन जब छड़ी लेके मैया पीछा कर रही थी तो कृष्ण का जो भी दोनों हाथों से पोछ रहे थे। हरी हरी मोर प्राणपति, ये गोपियों के भाव, राधा के भाव, मोर प्राण, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसका ये अनुभव करने के लिए इन भावों का स्वादन और फिर उसी का प्रसारण करने के उद्देश्य में प्रकट होऊंगा। तो ये रागानुग मार्ग की बात है, कोई रागानुग मार्ग ही एक्सलेंट है, सर्वोत्कृष्ट है। और धाम की बात है तो कई सारे स्थान है, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सु तेषु तेषु। तो इनमें से गौड़ीय वैष्णव कौन सा धाम पसंद करते हैं? गोलोक, गोलोक एव निवसति, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला, गोलोक की ही लीला भगवान इस
गोकुल धाम में इस भौम वृंदावन में प्रकाशित करते हैं। और उनकी पसंद से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु मतम इदम आराध्यो भगवान और तद्धाम वृंदावनम, आराधना भगवान की भी और धाम की भी, तो वृंदावन धाम ही उनकी पसंद होती है। वैसे ये ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है जिनको देवी धाम कहा है, देवी धाम के ऊपर ये महेश धाम है, शिव जी का धाम है, जो आधा आधा वैकुंठ में है, आधा इसी भौतिक जगत में है। ऊपर वाला जो पोर्शन जो वैकुंठ में, उसको सदाशिव लोक भी कहते हैं। और रास्ते में कई हरि धाम, कई सारे वैकुंठ है, वैकुंठ ही वैकुंठ है। और उसके ऊपर और कहाँ जा रहे, वृंदावन धाम के रास्ते में अयोध्या भी है, साकेत का अयोध्या भी है, वैकुंठों के ऊपर है अयोध्या, फिर अयोध्या के ऊपर है गोलोक। लेकिन वृंदावन के रास्ते में द्वारका भी है और वृंदावन भी है, एंड देन फाइनली वृंदावन इन द सेंटर, मध्य में, या वृंदावन रम्य स्थान, ये रम्य स्थान जहाँ बसा वो दुई जन राधा और कृष्ण विराजमान। हरी हरी ओके, रस विचार, ये धाम का विचार। तो सर्वोपरि धाम है, उत्कृष्ट धाम कौन सा है, वृंदावन धाम की रस विचार। अब ये डिटेल स्टडी में तो कैसे जाएंगे, तो वह तो जो प्रमुख रस है शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, इसके लक्षण यह, तो क्विकली कृष्ण निष्ठा, कृष्ण में निष्ठा तो है ही, और साथ में तृष्णा त्याग, तृष्णा का त्याग मतलब काम वासना का त्याग कहो, या वैराग्य भी जब होता है, निष्ठा है लेकिन तृष्णा त्याग है, तो उस अवस्था में ये शांत रस के भक्तों के लक्षण है। तो ये शांत रस वाले वैसे बैठे रहते हैं, जस्ट अप्रिशिएट, सराहना करते रहते भगवान के सौंदर्य की कहो या, लेकिन कुछ न तो हिलेंगे न डुलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे शांत। इसलिए क्या कहा है, शांत शांत। लेकिन जब वो सेवा करना शुरू करते हैं, सेवनम जोड़ दो, तो कौन सा रस हो गया, दास्य रस। और निष्ठा भी है, त्याग तृष्णा त्याग भी है, सेवा भाव भी है, और साथ में विश्रम्भम मतलब थोड़ा ऐक्य साम्य या अचिंत्य भेदा अभेद, भगवान और हम में कोई अंतर नहीं, हम भगवान के ही, हम भगवान के ही, ये लगते हैं वो लगते हैं, मित्र है, माता पिता है, प्रेयसी है, तेज, इसको विश्रम कहते हैं, विश्रम तुम्हें अमीसम, जो भक्त मित्र कहते हैं, तुम कौन बड़ा लोग, तुम्हें अमीसम, ये जो भाव है इसको विश्रम कहते हैं, विश्रम। तो फिर सख्य भाव हुआ, और ये सब और लक्षण भी है, विश्रम्भ भी है, और पालक ज्ञान, भगवान
कि कोई पालक मेंटेनर, हम इसका लालन पालन करने वाले हम, हमारी जिम्मेदारी है सर, आवर ड्यूटी इज आवर, उल्टा हुआ है, वे भगवान का लालन पालन करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ऐसे कहा तो है कृष्ण का, भगवान का वैशिष्ट्य, ये सभी के कामना की पूर्ति करने वाले एक भगवान सभी अनेकों के कामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन इस वात्सल्य भाव में, वात्सल्य रस में भक्त ही सोचता है, नहीं नहीं, वी आर द मेंटेनर, ये तो भगवान है। जगन्नाथ मिश्र को कभी कभी नवदीप वासी, हे तुम इतना डांटते हो पीटते हो भी कभी कभी निमाय को, अरे ये तो भगवान है, जो भी हो इट्स माय ड्यूटी, इसको सुधारना, इसके सही संस्कार उसमें डालना, ये मेरा कर्तव्य है, तो मैं पालक हूँ। और फिर ये सब लक्षण है। और निजांग दान, निजांग दान, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, भी पूरा का पूरा आत्मनिवेदन, पूरा समर्पण, पूरा समर्पण, निजांग दान। वो भी हुआ जब कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों की चोरी की, तो उस समय उनको निजांग दान, कोई हिचकिचाहट नहीं, पूरा फुल सरेंडर, लज्जा भी त्याग, ये सब। और इस संसार के कई सारे लौकिक जो धर्म है उसका भी त्याग और निजांग दान, ये माधुर्य रस, शांत रस वाले देखिए चार कुमार। फिर धीरे धीरे वैसे वे सख्य आमीन और रसों को प्राप्त करते हैं। एक समय शांत रस वाले थे, वैकुंठ में ये दास्य रस का प्राधान्य, इसको नोट दिस नाउ, ये सख्य रस है भक्तोसी में, क्या भक्तोसी में सखा चाहिए, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, हे अर्जुन। लेकिन वो जो सख्य है वो कैसा है, ऐश्वर्य मिश्रित सख्य है, यस। किंतु ये सख्य विश्रम्भ सख्य है, वृंदावन में जो सख्य है ये विश्रम्भ सख्य है, वृंदावन के बाहर हस्तिनापुर में, यहाँ वहाँ, इवन मथुरा या द्वारिका में जो सख्य है वो मिश्रित सख्य, ऐश्वर्य मिश्रित सख्य, ओके। अब ये भी वात्सल्य रस जब प्रकट हुए, कृष्ण वासुदेव बने, तो वसुदेव देवकी ने उनको प्रार्थना की है, उनके ऐश्वर्य का गुणगान किया है, ये ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य रस है। किंतु ये कैसा है, कैसा है कहो साहब, कहो एक बार कहो, कभी जीवन में कभी नहीं था ये शब्द आपने कभी नहीं कहा होगा, इतना इतना बढ़िया और उत्तम शब्द भी है। और इसको अगर भली भांति अगर हम समझ भी जाए तो फिर क्या, हम बन जाएंगे कृष्ण कॉन्शियस, बन जाएंगे कृष्ण भावना भावित बन जाए, तो विश्रम वात्सल्य रस। और ये कैसा है माधुर्य रस, ये माधुर्य रस है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी देश, ये जो ये भी माधुर्य रस है, कॉन्जुगो रिलेशनशिप है। लेकिन ये कैसी है, ऐश्वर्य मिश्रित है, किंतु ये माधुर्य रस कैसा है,
विश्रम्भ माधुर्य रस। आप समझ रहे भेद? हाँ, कौन कौन समझ रहे? अच्छा, क्या मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं समझे शायद। ओके, और फिर वृंदावन में और क्या कहना, माधुर्य रस, फिर परकीय भावे जहाँ भजेते प्रचार, परकीय भाव का जहाँ प्रचार है। अब ग्रंथों की ओर मुड़ते हैं, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत, साथ ही साथ गौड़ीय साहित्य की उत्कृष्टता। तो वह ब्रह्मा के चारों मुखों से चार वेद निसृत हुए या कहे उन्होंने। वेद पहले ही थे, केवल उन्होंने उसका उच्चारण किया, उनके दिमाग से निकले नहीं ये, उनके मुख से निकले, लेकिन ये रचना उनकी नहीं है, ये अपौरुषेय है। वेद वाणी अपौरुषेय है और शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। सृष्टि के पहले और प्रलय के उपरांत बाद में भी ये वेद वाणी बनी रहती है। तो हुआ ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान का विभाजन श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र, ऐसा विभाजन। फिर श्रुति में, श्रुति के अंतर्गत, श्रुति मतलब सुनकर जिसको हम सीखते हैं, समझते हैं, श्रुति, श्रुति प्रमाण कहते हैं। तो उसमें वेद आते हैं, वेद चार, चार नाम हैं वेदों के, वह लिखे हैं। और आपके जानकारी के लिए, हर वेद के फिर चार विभाजन है, हर वेद के चार विभाग होते हैं। एक का नाम होता है संहिता, ब्राह्मण, दूसरा अरण्यक, तीसरा और चौथा है उपनिषद। उपनिषद कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, वैसे हर हर वेद के उपनिषद होते हैं, हर वेद की शाखाएं होती है उपनिषद के रूप में। इसको थोड़ा ये नोट किया करो। तो अधिकतर इसमें कर्मकांड खूब भरा हुआ है वेदों में। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कृष्ण कहे। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों का विषय गुणों से भरा हुआ है। किंतु इसमें जो उपनिषद पार्ट है, उपनिषद इसमें ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तो उपनिषदों में ये वेदों का सार भी कहा जाता है उपनिषद। और फिर उस उपनिषद, ये श्रुति शास्त्र है, ये स्मृति शास्त्र है। इसमें पुराण आते हैं, 17 पुराण या 18 पुराण, इतिहास, महाभारत इतिहास है, रामायण भी इतिहास है, हिस्ट्री है, और षड् दर्शन, सांख्य योग, सांख्य योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और वेदांत। षड् दर्शन, कितने दर्शन? षड् दर्शन। उसमें जो वेदांत है, ये व्यास देव की रचना है, ये व्यास सूत्र भी कहलाते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहलाते हैं। वेदांत, वेद का सार कहो वेदांत। तो इन षड् दर्शनों में ये वेदांत सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। और फिर इसी वेदांत सूत्र की भाष्य लिखे श्रील व्यासदेव। वेदांत सूत्र की रचना करने वाले भी कौन थे? कौन थे? व्यासदेव थे। तो सूत्र होने के सूत्र रूप में, वेरी कोड लैंग्वेज, थोड़ी समझने में कठिन जाती है, सूत्र, सूत्र होता है सूत्र, इसलिए भाष्य जरूरी होता है। तो जिन्होंने ये सूत्रों की रचना की, ब्रह्म सूत्र, व्यास सूत्र, वेदांत सूत्र,
उन्होंने ही श्रील व्यास देव ही उस पर भाष्य लिखे, तो वेदांत सूत्र पर लिखा हुआ श्रील व्यास देव का भाष्य का नाम है भागवतम। इसलिए प्रभुपाद का नेचुरल कॉमेंट्री, जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा उन्होंने भाष्य लिखा, वो भाष्य है अर्थो अयम ब्रह्मसूत्राणाम, गरुड़ पुराण में लिखा है अर्थो अयम ब्रह्मसूत्राणाम, अयम मतलब ये इदम भागवतम नाम, ये भागवत ग्रंथ है, ये ब्रह्मसूत्र का भाष्य है या अर्थ है, भावार्थ है। तो इसी प्रकार शुरुआत होती है भागवत का, पहला श्लोक है और तो जन्माद्यशयतः, ये वेदांत सूत्र है, जन्माद्यशयतः ये वेदांत सूत्र है। तो इस वेदांत सूत्र का अभी भाष्य भी यहाँ कहा जा रहा है। इस प्रकार वैसे विद्वानों ने रिसर्च करके ये भी सिद्ध किया है कि वेदांत सूत्र के कई या सभी सूत्र है, या ये अध्याय है, इस वेदांत सूत्र के इन सूत्रों का ये भाष्य है, इस कैंटो इस स्कंद के ये अध्याय, इस प्रकार की स्टडी भी हो चुकी है, उपलब्ध भी है। एज अ सैम्पल ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कैसे एक वेदांत सूत्र को शुरुआत हुई है और इसको फिर उसका भाष्य भी प्रारंभ होता है, उसी के साथ भागवत भी प्रारंभ हुआ। तो वह भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद, वैसे ये एक दूसरों के पूरक शास्त्र है, ये तीनों मिलके भी एक ही शास्त्र है, वैसे या एक पहला गीता फिर प्रवेश करती है भागवत में, फिर चैतन्य भागवतम प्रवेश करता है चैतन्य चरितामृत में, तो इसको अलग करना कठिन है, ये भगवद गीता है फिनिश्ड और ये कुछ भिन्न ही है भागवतम। तो भी प्रभुपाद भगवद गीता जरूर इसको प्राइमरी स्कूल का ज्ञान कहते हैं, कहाँ करते थे प्राइमरी स्कूल का ज्ञान, जिसमें हम ABCD पढ़ते हैं, तो जो PhD करने वाले हैं या ग्रेजुएशन करने वाले स्नातकोत्तर, उनको ABCD का उपयोग नहीं है क्या? ABCD नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे क्या? हाई स्कूल भी नहीं जा सकते, फिर कॉलेज भी नहीं जा सकते। तो ABC इज अ बेसिक, तो गीता फाउंडेशन है और फिर भागवत ग्रेजुएशन, फिर चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन, और केवल ये सब वैसे चैतन्य चरितामृत भी गौड़ीय वैष्णवों की संपत्ति है, वैसे तो सभी का अधिकार है चैतन्य चरितामृत पर भी, किंतु ये संपत्ति तो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की, चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ और वैसे गीता जैसा भी नहीं है, भागवत जैसा भी कोई ग्रंथ नहीं है संसार में, ये अद्वितीय एकमेव, वैसे ही चैतन्य चरितामृत और फिर गौड़ीय वैष्णव ग्रंथावली जो है, हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, षड गोस्वामी वृंदों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, या प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखे हैं, क्या किसका किसका नाम ले, जीव गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे हैं, सनातन गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे हैं, कृष्णा किए हैं,
और भगवान का कितने विस्तार पूर्वक और बड़े गहराई में जाकर बड़े डिटेल के साथ या भगवान का हूबहू वर्णन करते हैं गौड़ीय वैष्णव, और करेंगे भी तो क्यों नहीं, क्योंकि भगवान के साथ रहने वाले ही भक्त, उनके परिकर पार्षद ही तो अवतार लेते हैं। तो फिर उनका आँखों देखा जो दर्शन या अनुभव, उसी को वो लिखते हैं। इसमें कोई कोरी कल्पना नहीं है, इज नॉट इमेजिनेशन, नो माइथोलॉजी, फैक्ट्स। तो ऐसा ज्ञान और भक्ति का भंडार और ऐसा ऐसी ग्रंथावली और कहीं नहीं, फॉरगेट इट। और कहीं तो है ही नहीं, नो बाइबल, नो कुरान, नो कंपैरिजन, तुलना हो ही नहीं सकती। और फिर जहाँ तक इस संप्रदाय है, प्रामाणिक संप्रदाय है, इनमें भी ये गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और ये अन्य जो गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर है, ऐसा लिटरेचर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। हरी हरी। ओके, अब क्या समय है? अभी क्या प्रसाद का समय है कि? अच्छा, फिर समस्या नहीं है, प्रसाद का समय होता तो और थोड़ा दो चार मिनट आपके ले ले। मेरे दो चार मिनट से पाँच दस भी हो सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। शायद आप थोड़े जग गए आप, हाँ। नाउ यू आर मूड में आ गए, आप थोड़े मूड में आ रहे हो, इसका फायदा उठा दे इसका। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एवं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम्। ये ब्रह्म संहिता का ग्रंथ यदि नहीं होता तो इसका भी पता नहीं चलता। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो वह आदि केशव नाम का मंदिर है कन्याकुमारी के पास, आदि केशव, वहाँ उनको ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ उन्होंने देखा। महाप्रभु ने इसकी फोटोस्टैट कॉपी, जैसे कॉपी बनवाई, साथ में ले आए, तो वह ये भी ग्रंथ अद्भुत है जिसमें यह भगवान कैसे हैं, ईश्वर परमः, परमः परमेश्वर है, सर्वकारण कारणम अनादिर आदिर गोविंद। आंखें खोलने वाली बात है। ये बातें सुनेंगे तो दिस इज आई ओपनर, कहते हैं आई ओपनर, आई ओपनर, रियली वाव 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 फैक्टर, वाव वाव। अनादिर भगवान कैसे हैं, शब्दों की ओर कब हम ध्यान देंगे, उन लोग शब्दों की ओर ध्यान नहीं देते। अनादि भगवान के, भगवान का आदि कोई नहीं है, भगवान स्वयं ही आदि है। अनादिर आदिर गोविंद, गोविंद कैसे है, आदि मतलब शुरुआत में भगवान ही थे, भगवान की शुरुआत और किसी से नहीं हुई थी। ये भगवान की समझ या परिभाषा भी कहो, ऐसे है भगवान अनादिर आदिर गोविंद। और ये परम, हमारे मतलब की बात तो ये है कि ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण ऐसे हैं।
और फिर स्वयं भी कहे मत्तः परतरम न अन्यत परतरम परतर, फिर तरतम होता है ना, परतरतम परतरतम। तो मुझसे और कोई बढ़िया कहो है नहीं। किंचिदस्ति धनंजय, और मैं सर्वत्र भी हूँ, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। इसकी भाष्य कहने का समय नहीं है, तो लेकिन ये अगर हम समझ सकते हैं, अब समझे भी होंगे, लेकिन मैं अभी कहता हूँ, एक देखते हैं। जैसे यह कहा है, सूत्रे मणि गणाइव, प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। जब हम ये माला देखते हैं, हमको क्या दिखता है? फूल ही दिखते हैं, लेकिन इन फूलों की जो बनी है माला, एक फूल को दूसरे फूल तीसरे फूल को जोड़ने वाला कौन है? धागा है, सूत्र है। वो दिखता है क्या? वो नहीं दिखता हमको, तो फूल ही दिखते हैं। उसी प्रकार ये संसार तो हमको दिखता है, लेकिन संसार को इकट्ठा रखने वाला कौन है? सूत्रे मणि मणि गणा एव, जैसे मणि को साथ रखने वाला सूत्र या धागा होता है, तो मैं भी सारे संसार को साथ रखने वाला। फिर कहा भी है, अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम, हर अणु परमाणु में भगवान है। वो दिखते तो नहीं, हमको दुनिया दिखती है बाहर। तो जैसे इसका धागा नहीं दिखता, वैसे भगवान दिखते नहीं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं उस उदाहरण के साथ, भगवान का अस्तित्व, भगवान का रोल, भूमिका कैसी है। ये धागा नहीं होता तो बस फूलों का ढेर हो जाता या फूल बिखर जाते हैं। इतनी जो शोभायमान जो माला बन गई, सुंदर है कि नहीं? किसके कारण? धागे ने उसको सुंदर बना दिया। तो इस संसार का जो सौंदर्य, उसके पीछे भी कौन है? सर्व कारण कारण भी भगवान है। ओके, एते चांशकलापं सां कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी तो अंश है, अंशांश है, अंशांशांश है, अंश के अंश के अंश के अंश है, लेकिन मैं स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं स्वयं। तो स्वयं भगवान केवल कृष्ण ही है। इवन बलराम स्वयं भगवान के प्रकाश है, तो ज़्यादा भेद नहीं है, तो भी स्वयं भगवान तो कृष्ण ही है। प्रभुपाद कई लिखते हैं, बलराम इज 98% कृष्ण। या प्रकाश, स्वयं भगवान का स्वयं का प्रकाश। तो प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता ना, इस प्रकार वे अभिन्न भी है। और ये तो भगवान के 64 गुण हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में हम पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो जीवों में हम लोग कौन है? हम जीव है। तो हमें भगवान के 50 गुण हम में होते हैं, छोटी मात्रा में। भगवान के गुण हम में भी होते हैं,
इसीलिए भी अभेद हुआ, भेदाभेद, भेदाभेद, अभेद, भेद नहीं है, क्योंकि भगवान के गुण हम में भी है। वैसे भगवान भी सच्चिदानंद है तो हम भी कैसे है, कहो, हम भी सच्चिदानंद है, क्योंकि हम ये मिट्टी के ढेले पुतले नहीं हैं, हम आत्मा है, आत्मा सच्चिदानंद है। लेकिन सच्चिदानंदत्व जो है तो भगवान की तुलना में वो कम है हम में, इसलिए भेद अभेद। तो जीव में 50 गुण होते हैं इन माइन्यूट क्वांटिटी। फिर शिव ब्रह्मा इनमें और 5 गुण होते हैं, हम जीवों में जितने होते से 5 गुण, और उसके नाम भी है भक्ति तीर्थ सिंधु में, कौन से 5 गुण जो ब्रह्मा और शिव में होते हैं जीवों में नहीं होते, वो भी लिखा है। अब नहीं, नॉट फिनिश्ड। और 5 गुण ये भगवान के जो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु। इनमें और 5 गुण इन सारे अवतारों में, तो कितने हो गए, 50 और 5, 55 और 5, कितने हो गए, 60 क्वालिटीज तक, ये क्वालिटीज़, ये गुण भगवान के अवतारों में भी पाए जाते हैं। किंतु और 4 गुण है, 64 टोटल है, तो 60 अवतारों में होते हैं। 4 गुण केवल और केवल कृष्ण किसमें होते हैं, किसमें होते हैं, कृष्ण और कृष्ण में ही होते हैं, केवल कृष्ण में होते हैं। दैट मेक्स हिम कृष्णा। और वे कौन से हैं, केवल ये नहीं कि 4 गुण, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सब शास्त्र है, ये हकीकत है, दिस इज अ फैक्ट। तो फिर रूप गोस्वामी उन 4 गुणों का नाम भी लिखते हैं, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयो इत्यसाधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। गोविंदस्य चतुष्टयम्, 4 क्वालिटी, चतुष्टयम्, 4 गुणों का समूह, 4 गुण केवल कृष्ण में पाए जाते हैं, वे है लीला, उनको माधुर्य भी कहते हैं, कृष्ण का माधुर्य है, माधुर्य, कृष्ण और मधुर बन जाते हैं, माधुर्य। तो कौन कौन से 4 माधुर्य हैं, एक है लीला माधुर्य, दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये है लीला माधुर्य। अरे बो मधुर है कि नहीं लीला, अधरम मधुरम वो भी है, वदनम मधुरम पाणी मधुरा पादौ मधुरा सब मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। व्हाट हैपेंड, समथिंग हैपेंड। किसी ने कुछ जादू की, क्या हुआ, आपको भूख लगी, लेट्स गिव अस 1 मिनट। ये क्या डिस्चार्ज, कंप्यूटर खाली पेट हो गया, एम्प्टी स्टमक, इसका योग कर देते हैं। प्रार्थना करो, हरे कृष्णा।
और एक बार धन्यवाद आ गया। ओके तो माधुर्य लीला अब क्या कहना। और अनंत शेष सहस्रवदन ही कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं उनके लीला माधुर्य। ये तो एक है लीला माधुर्य, दूसरा है अब नॉट मूविंग फॉरवर्ड क्या चार्ज नहीं। अच्छा ऑटोमेटिक होगा कि नहीं। ओके ओके प्रेम माधुर्य मतलब भगवान का जीवों से जो प्रेम है। कृष्ण कन्हैया लाल की, केवल कृष्ण कहने से काम नहीं बनता, कृष्ण कन्हैया कहना पड़ता है, फिर समझ में आता है ना। कृष्ण कन्हैया कहने से कृष्ण को और अधिक परिचय भी होता है। तो प्रेम माधुर्य मतलब भगवान का भक्तों से जो प्रेम है। कृष्ण जितना जीवों से प्रेम करते हैं इतना प्रेम नारायण भी नहीं करते। ये अवतार वो अवतार उनका भी प्रेम तो होता ही है। प्रह्लाद आह्लाद दायिने, प्रह्लाद को आह्लाद देने वाले नरसिंह भगवान प्रसिद्ध है। और सभी अवतार अपने अपने परिकरों से प्रेम तो करते हैं, किंतु कृष्ण का जो प्रेम अपने भक्तों से प्रेम। साधवो हृदयम मह्यम ऐसा भी भगवान का है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। और साधु मुझे मेरे अलावा और किसी को जानते ही नहीं और मेरा हाल भी वही है। मैं भी मेरे भक्तों के अलावा और किसी को न तो जानता हूँ न तो जानना चाहता हूँ ऐसा भी। इन शब्दों में भगवान ने अपना प्रेम व्यक्त किया हुआ है। प्रेम माधुर्य और ये है वेणु माधुर्य शायद हमारे इंद्र प्रभु डे आफ्टर कई दिनों तक आपको क्या सुना रहे थे, वेणु माधुरी का वर्णन कर रहे थे। तो आप जानते हो वेणु का माधुर्य। और इस वेणु माधुर्य के लिए कृष्ण प्रसिद्ध है। और इस वेणु का जो वृंदावन में वेणु का रेणु का धेनु का सभी के रोल है भूमिका है, किंतु इस वेणु का बहुत बड़ा हाथ है रोल है भूमिका है। और साथ ही साथ ये मधुर वेणु। और चौथा माधुर्य है रूप माधुर्य। रूप माधुर्य इतना आकर्षक है स्वयं भगवान ही आकृष्ट हो जाते हैं अपने माधुर्य से। जबकि कभी फर्श पर बैठे होते हैं तो फर्श में जब दिखता है उनका स्वयं का रूप उनको लाइक्स टू किस। जो रूप हमको अच्छा लगता है उसको हम चुंबन, तो कृष्णा लाइक्स टू किस हिज ओन रिफ्लेक्शन। इतना आकृष्ट हो जाता है अपने रूप से भी। रूप माधुर्य अरे अरे। तो अलग अलग संप्रदायों में लक्ष्मी नारायण की कोई आराधना करते हैं। रुद्र संप्रदाय पुष्टि मार्ग
वल्लभाचार्य, हे बाल गोपाल, हे वात्सल्य रस में आराधना करते हैं। मध्व संप्रदाय केवल कृष्ण की आराधना करते, गोपियों को नहीं मानते। नो राधा नो गोपी, ओनली कृष्ण। कुमार संप्रदाय में स्वकीय भाव में राधा कृष्ण की आराधना, स्वकीय भाव। किंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा कृष्ण की आराधना, परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार। तो इस प्रकार का थोड़ा भेद भी है। श्री कृष्ण चैतन्य, अब ये कृष्ण की बातें हुई तो चैतन्य महाप्रभु की थोड़ी सी बातें हैं। तो चैतन्य केवल कृष्ण नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण। प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। और फिर अंतिम चैप्टर है, उसका नाम है गौड़ीय वैष्णवता ही है कृष्ण भावनामृत, या हरे कृष्ण आंदोलन में, जैसे मैं कह चुका हूँ, ये सारा जो जो उत्कृष्टता है, गौड़ीय वैष्णवता की उत्कृष्टता, ये सारी इस्कान में भरी पड़ी है। तो इस्कान या दी गौड़ीय वैष्णवता की उत्कृष्टता इज इक्वल टू इस्कान, ऐसा अगर हम कह सकते हैं, सारी उत्कृष्टता आपको प्राप्त होगी इस्कान में। श्रील प्रभुपाद देखे, और ये कार्य श्रील प्रभुपाद किए हैं, उन्होंने 7 पर्पजेस ऑफ इस्कान जो दिए हैं, लिखे हैं, 7 उद्देश्य, जिस हेतु से इस्कान की स्थापना किए, इसका हम गौर से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कैसे अलग अलग प्रकार की उत्कृष्टता प्रभुपाद भरे हैं। इस्कान का आइडियोलॉजी क्या है? अचिंत्य वेदा वेद तत्व है। हमारी परंपरा क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हम ब्रह्म संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय के हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कैसे हैं? गौड़ीय भी है। केवल ब्रह्म संप्रदाय के नहीं हैं हम, हम गौड़ीय संप्रदाय के भी या ही भी कहो है। या जैसे देख रहे हो, ये ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों की के दर्शन या सूची या चित्र है। तो वह गोलाकार देख रहे हो, ये है माध्वाचार्य के। तो उनके बगल में है लक्ष्मीपति तीर्थ। यहाँ तक तो ब्रह्म संप्रदाय चल रहा था, आचार्य के बाद आचार्य के बाद। तो वह लक्ष्मीपति तीर्थ ने दीक्षा दी माधवेंद्रपुरी को, और माधवेंद्रपुरी के साथ ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ही ब्रह्म संप्रदाय के सब सिद्धांत तत्व, और साथ ही साथ एडिशनल उनका गौड़ीय सिद्धांत से भी वे भरपूर प्रचुर रहे माधवेंद्रपुरी, या प्रेम जो है उसको अंकुरित हुआ उनके हृदय प्रांगण में, और फिर उसी से आगे ये वृक्ष बना गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। और वही है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की जड़ है माधवेंद्रपुरी के हृदय प्रांगण में ये वृक्षारोपण हुआ, प्रेम का बीज का रोपण, और वहाँ से सब ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु उसी परंपरा में प्रकट हुए।
और फिर हमारे सब आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद देखी, फिर ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव आचार्य हुए। रूपानुग इस्कॉन में रूपानुग हम रूपानुग साधना करते हैं। रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के चरण कमलों का अवलंबन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर में रहते, मंदिर में रहते थे, तो वहीं पर है रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर। तो वह रूप गोस्वामी या श्रील प्रभुपाद के अंतकरण में, मन में प्रकट होकर उनको प्रेरणा दे रहे थे और वो सब प्रेरणा के वचन, भाव, तात्पर्य प्रभुपाद अपने ग्रंथों में भरे हुए हैं। इसी के साथ, इफ यू वॉन्ट टू नो मी रीड माई बुक्स, तो आप मुझे जानना चाहते हो तो क्या करो, मेरे ग्रंथों को पढ़ो। तो फिर हम जब पढ़ते हैं तो फिर हम भी कौन बन जाते हैं, रूपानुग बन जाते हैं। ओके, रस विचार श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। इसी प्रार्थना भी हम करते हैं रूप गोस्वामी के चरणों में। चैतन्य महाप्रभु का मन अभीष्ट, चैतन्य महाप्रभु के मन की बात रूप गोस्वामी समझते थे, समझे थे और उसी की स्थापना उन्होंने की अपने विचार, अपने ग्रंथों के माध्यम से, और उसी का हम अनुगमन करते हैं। और इस्कॉन का सारा जो लिटरेचर है, यह भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर, प्रभुपाद के लिखे हुए सारे ग्रंथ है, ये प्रभुपाद के साक्षात्कार है, प्रभुपाद के प्रेम का उद्रेक है कहो, ये सब का स्रोत वैसे भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, भगवद गीता है और गौड़ीय वैष्णव वांग्मय, गौड़ीय वैष्णव के की टीकाएँ हैं, उसी को लेके बैठा करते थे प्रभुपाद पूरी रात भर ढेर उनके समक्ष। तो वहाँ से वो लेते हीरे मोती और अपने ग्रंथों की रचना, तो जिसको प्रभुपाद का ये ग्रंथ ही आधार है और ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने दिए। बुक्स आर द बेसिस और ये ग्रंथ प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भावना को, या कृष्ण भावना की जो उत्कृष्टता है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन जो विश्वभर में हो रहा, विश्वभर में हो रहा, धीरे धीरे प्रभुपाद गए तो कीर्तन मंडलियाँ कीर्तन करने लगी। प्रभुपाद ट्रैवल 14 टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड, कितने टाइम्स, 14 बार, जेट एज परिव्राजक आचार्य बने प्रभुपाद, और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ कृष्ण भावना का, हरे कृष्ण मंत्र का, संकीर्तन का स्वागत हुआ और सारे संसार नाचने लगा। नाम नाचे, जीव नाचे, नाचे प्रेम धान, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जीव नाचे प्रेम नाचे, नाचे प्रेम धान। तो सभी जीवों को नचा रहा ये महामंत्र या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। वर्ल्ड होली नेम वीक्स, जप, रिट्रीट्स, संकीर्तन मेलर्स एंड ये सब संसार भर में हो रहा है। और इस्कॉन का गंतव्य स्थान अंततो गत्वा कहा,
चाहेंगे तो जाए कहाँ, कहाँ जाएंगे? मायापुर धाम के, वृंदावन धाम के, धन्यवाद। तो या जस्ट कल भी चाहोगे कि और एक हो जाए कथा, एटलीस्ट वन मोर, एटलीस्ट वन। तो कल की कथा, कल है कौन सा तिथि है? बहुलाष्टमी है, कल अष्टमी है, कल अष्टमी का नाम बहुलाष्टमी भी है। फिर राधा कुंड का आविर्भाव रात्रि भी है, आविर्भाव तिथि भी है। तो कल की कथा राधा कुंड प्राकट्य की लीला पर चर्चा होगी कल, तो आप सादर आमंत्रित हो। तो पुनः मिलामः, कल मिलेंगे। और प्रेमानंद।